हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि एंड परी। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूं एक DIY जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि घर में मैट लिक्विड सिंदूर कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया। आगे बढ़ने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसने लाइक कर दे अगर उसको पसंद आता है तो। अगर इसमें कोई कमी पेशी या आपको अच्छा लग रहा है या आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें चाहिए सिंदूर पाउडर। यहाँ पे मैंने रेड कलर का सिंदूर लिया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसिकली इसको कंसिस्टेंसी देने के लिए। ये काफ़ी थिक होता है, हम किसी भी टाइप का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, नेचुरल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास लगा हुआ है तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने काफ़ी थोड़ा पाउडर लिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही एलोवेरा जेल ले रही हूँ। फिर मैं यहाँ यूज़ करूँगी गुलाब जल। यहाँ पे मैंने दिव्य का गुलाब जल लिया हुआ है। यहाँ पे मैं पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, गुलाब जल यूज़ करती हूँ। ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी देता है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ मैंने 400 mg का विटामिन ई का कैप्सूल लिया हुआ है। वो निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक पिल ले रही हूँ कि थ्रू ये निकल जाएगा पूरा। यहाँ पे मैंने काफ़ी थोड़ा सा ही सिंदूर लिया हुआ है इसलिए एक कैप्सूल सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हो तो दो ले लो। विटामिन ए बेसिकली बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये हम स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो हमारी बालों को अच्छी ग्रोथ भी देता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो एक अच्छा थिक पेस्ट बेसिकली मेरे को चाहिए। अब आपको लगता है कि अगर ये जो आपने बैटर बेसिकली तैयार किया हुआ है ये अच्छा नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग आप उसमें जो भी इंग्रेडिएंट की आपको कमी लग रही है आप एक थिक सा पेस्ट बना लो और बस। ये फाइनली आपका सिंदूर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको लगाइए दोस्तों, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और ये कोई भी तरीके से आपके स्कैल्प को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बहुत प्यारा कलर आया हुआ है, आप इसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक खाली सिंदूर की ही एक बॉक्स था तो मैंने उसमें देखिए फिल कर लिया है। आप किसी भी बॉक्स में इसको फिल करके और आप डेली में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने ये अप्लाई कर लिया है और ये काफ़ी अच्छा वो दे रहा है, लुक दे रहा है और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। दोस्तों, आप इस DIY को ज़रूर यूज़ कीजिए और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से स्मॉल छोटे छोटे DIY लाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।